हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। दिस इज़ आयुष एंड आज अपने साथ में है स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो एंड अब ये जो नई गाड़ी है, इस पर्टिकुलर गाड़ी को आपको क्यों परचेज़ करना चाहिए। लाइक एक्चुअली सीन क्या है, स्कॉर्पियो नाम से लोगों को ये लगता है कि अरे यार एकदम रोबस्ट और ऐसी गाड़ी है जो पॉलिटिशियन वगैरह ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बट ये स्कॉर्पियो एन है, नाम स्कॉर्पियो है बिकॉज DNA स्कॉर्पियो से लिया गया है। स्कॉर्पियो एन एंड न्यू से डिफाइन कर लो आप लोगों की कि कम्प्लीटली नई गाड़ी है और डेफिनेटली ये कम्प्लीटली नई कार है। क्यों आपको इसको परचेज़ करनी चाहिए, क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से लोग 28-29 लाख रुपए इस पर्टिकुलर कार पे परचेज़ करने के लिए रेडी हैं, एक एक साल की वेटिंग पे इस कार को जो है वो लिया जा रहा है। आज इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर कार को मैं लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुका हूँ। एक बड़ा क्वेश्चन जो है, XUV700 को ना लेके इसको क्यों लेना चाहिए, ये एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसका भी आंसर मैं आप लोगों को इसके ड्राइव पार्ट में जो है वो दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल वॉकराउंड से कि पार्ट्स की क्वालिटी कैसी है, सीटिंग स्पेस वगैरह कैसा है और बिग डैडी ऑफ SUV जो इसे हैशटैग दिया गया है, जो नाम दिया गया है, जो टैगलाइन दी गई है, क्या ये उसको डिफाइन करवाती है या नहीं। आज इन सब चीज़ों को अच्छे से डीप में समझते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंडिंग तक ज़रूर से देखो ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि इस टायर को मैं बाहर निकाल के क्यों बैठा हूँ और आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये कार आप लोगों के लिए परफेक्ट है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो हेडलैम्प्स हैं उनके थ्रोस कैसे लगे मेरे को। जो डिज़ाइन है वो आप लोग देख लो, मैंने डिटेल वॉक अराउंड करा हुआ है। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है बट 360 कैमरा कार के अंदर नहीं मिलता है, इसकी कमी मेरे को लगी है। जो हेडलैम्प के थ्रोस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं रात में और हाई बीम पर्टिकुलर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोजेक्टर सेटअप दिया जाता है और उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है एक नॉर्मल LED सेटअप। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स हैं, नीचे DRLs हैं और ये फॉग लैम्प है। बाकी ये जो नया लोगो है बटरफ्लाई, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी प्रीमियम फील करवाता है। क्रोम का जो इस्तेमाल करा है वो भी बिल्कुल डिसेंट करा है। ऑटोमेटिक वाइपर है, पानी थोड़ा बहुत आ रहा है, देख लिया आप लोगों ने, खुद से चालू हो गए थे, ये देखो खुद से चालू हो गए। तो ये भी आप लोगों को लाइव डेमो मिल गया। ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी हैं, ये भी खुद से स्टार्ट हो जाते हैं। साइड में जो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी वो लगी है टायर और ये जो अलॉय व्हील्स हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा रखा गया है, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ये अलॉय व्हील्स, देख सकते हो आप। इसके अंदर बीच में ये जो लोगो है वो मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है, काफ़ी प्रीमियम फील करवाता है। जो टायर की प्रोफाइल यूज़ करी है कंपनी ने, ये भी काफ़ी बढ़िया करी इस पर्टिकुलर कार के साथ में। खैर MRF के टायर हैं, आप चाहें तो और ज़्यादा बेटर टायर डलवा सकते हैं, नो डाउट ये भी टायर्स काफ़ी अच्छे हैं। 255/60R18 18 इंच के टायर जो है वो गाड़ी के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं, फॉर्च्यूनर में भी यही मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस मोर देन इनफ, आपका काम आराम से हो जाना है। गाड़ी की हाइट बहुत ही ज़्यादा है, मेरी हाइट 5'10" है, ये 6 फीट से भी ऊँची कार मेरे को लग रही है। देन उसके बाद में जो साइड में बॉडी स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, गेट जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो गेट का एरिया है ये काफ़ी बड़ा है। तो ओवरऑल जो साइड से लुक आती है कार की वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी SUVs काफ़ी बड़ी कार की आती है। मतलब इसको आप कहीं पर भी लेके जाओगे तो लोगों को मज़ा आएगा कि अरे यार क्या शानदार कार आई है, मतलब लोग मुड़ के देखेंगे इस पर्टिकुलर गाड़ी को। थर्ड रो के लिए भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा क्वार्टर पैनल ग्लास दिया गया है। ऊपर रूफ रेल्स अगेन काफ़ी स्टाइलिश लगाए गए हैं। यहाँ पर क्रोम एलिमेंट जो है वो कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड कर रहा है विंडो के आसपास में और वो यहाँ पर आके मतलब ऐसे ये एंड हो रहा है, मतलब पूरा ऐसे ये टेल जैसे आ रहा है। तो अगेन काफ़ी नीटली जो है वो इसको पूरा स्ट्रक्चर को इन्होंने बनाया है। तो पीछे से जो है अगेन कार काफ़ी ऊंची है, काफ़ी हाइटेड है, वाइपर वगैरह ऐसी सारी जो नॉर्मल एमिनिटीज़ हैं वो तो सब आपको मिल जाती है। पीछे कैमरा यहाँ पर आपको मिल जाता है, अगेन टेल लैंप जो है वो आप लोगों ने देख लिए, बैकलाइट वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, पार्किंग सेंसर जो है वो आप लोगों को 4 नंबर में मिल जाते हैं। अब जो लुक्स हैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये जो गेट है अगेन काफ़ी बड़ा है तो पीछे आपको स्पेस चाहिए होती है, ये प्रॉब्लम मेरे को आई है। मेरे घर की पार्किंग में सीन ये हो रहा था कि जो गाड़ी को पार्क करते हैं तो अब जब इस गेट को ओपन करते हैं तो गेट ओपन करने की जगह नहीं है, या तो फिर कार को उल्टी पार्क करो तो ये बाहर जो है बाहर की तरफ खुलता है। तो आपको थोड़ी सी बड़ी पार्किंग चाहिए इस पर्टिकुलर गाड़ी को पार्क करने के लिए, या तो फिर आप गाड़ी घर से या पार्किंग से बाहर निकालो, देन उसके बाद में आप इसको ओपन करेंगे। और इसको ओपन करने का बहुत ही कम काम पड़ता है। सीन बताया क्या है, ये जो सीट अगर ऊपर है तो यहाँ पर आपके पास में बूट्स जो बूट स्पेस है वो सिर्फ बूट्स के लिए, यानी कि सिर्फ शूज़ रखने के लिए बचता है। तो ये एक प्रैक्टिकलिटी जो है वो लूज़ होती है। कार जब इतनी बड़ी बनाई है तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर तरीके से बनाया जा सकता था कि 2 सूटकेस यहाँ पर आ जाए, इतनी स्पेस अगर मिल जाती तो लिटरली मज़ा आ जाता। 7 लोग बैठे हैं, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर आ जाता और वो लोग आराम से एंजॉय कर पाते हैं। बट अब क्या करना पड़ता है, इस सीट को गिराओ
और उसके बाद में ये सीट जो है वो इतनी स्पेस ले लेती है, तो मोस्टली या तो फिर इस सीट को आप निकाल के रख दो, इसको एज अ फोर सीटर या फाइव सीटर यूज़ करो जो भी आप वर्जन ले रहे हो, और फिर इसका बूट यूज़ करो। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ रख के जा रहा हूँ तो वो टकराती है इससे और फिर वो आवाज़ करती है, और वो प्रॉब्लम मेरे साथ में कब आई थी मैं आपको बता रहा हूँ। अब सीन ये हुआ था कि ये टायर जो है वो मेरा हो गया था पंचर, ठीक है, तो मैंने स्टेपनी निकाल के उधर लगा दी। ये टायर जो है मैंने नीचे नहीं लगाया, सोच रहा था कि मैं पंचर बनवा लूँ, वो पंचर बना नहीं, तो अब इस पर्टिकुलर टायर को मेरे को रखना था ऊपर, बहुत भारी है, तो अब रखना भी इसको अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, क्या आप इसको इसके ऊपर रख रहे हो। फिर उसके बाद में ये टायर जो है वो पीछे टकरा रहा था कंटिन्यूसली, ये जो लॉक है ना ये इसके ऊपर ऐसे प्रेस हो गया और ये लॉक ओपन नहीं हो रहा जब मैं अनलॉक कर रहा था, तो अगर ये ऐसे नहीं होगा ठीक है तो कार का गेट ये पीछे वाला ओपन नहीं होगा, और मैं टेंशन में आ गया कि यार नई गाड़ी है डिक्की क्यों नहीं ओपन हो रही, मतलब रिमोट से अनलॉक कर रहा हूँ, आगे जाके वहाँ से कर रहा हूँ और पीछे मैं खींच रहा हूँ उसको, तो कुछ हो ही नहीं रहा था। और रीज़न पता क्या था, ये टायर जो है वो आगे पीछे इससे चिपक गया था। तो अब ये सिर्फ टायर का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया बिकॉज आप अगर यहाँ पर बड़े बड़े बैग्स भी रखते हैं तो वो भी आपके पीछे आएंगे और इससे बजेंगे। तो गेट को कर देते हैं बंद, और गेट को बंद करने के लिए भी हाथ में अच्छा जोर चाहिए, काफ़ी सारे गेट जो है वो काफ़ी हेवी फील करवाते हैं, मज़ा आता है आपको कि यार एक भारी गाड़ी जो है वो आपके पास में है। देन उसके बाद में इसका डिपार्चर एंगल जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, अप्रोच एंगल भी काफ़ी अच्छा है, और ब्रेक ओवर एंगल भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो आप इससे काफ़ी अच्छी वाली ऑफ रोडिंग कर सकते हो, डेडिकेटेड वीडियो अलग से आपको देखनी पड़ेगी। बाकी अगेन हाइट पीछे भी काफ़ी अच्छी, खैर मैं तो अभी स्लोप पे खड़ा हुआ हूँ, बट स्टिल हाइट जो है वो लिटरली कार की बहुत ही बढ़िया है। अब चलते हैं थर्ड रो में, और थर्ड रो में चलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टायर को वापस से बाहर करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि जो थर्ड रो की स्पेस है वो कैसी है। तो चलते हैं अंदर, थर्ड रो में जाना बहुत ही आसान है, यहाँ पर बस इस लीवर को ऐसे करा और सीट जो है वो गिर गई। अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर आपके पास में हेडरेस्ट है प्रॉपर, मेरी हाइट 5'10" है, पैर पूरे टच हो रहे हैं यहाँ पर, थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हेडरूम में कोई परेशानी मुझे तो नहीं है, मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 6 फीट का बंदा जो है वो बैठ सकता है। स्पीकर कई सारी जगह है, टोटल 12 स्पीकर है सोनी के, कमाल का म्यूज़िक सिस्टम है गाड़ी का। यहाँ पर भी मेरे पास में डेडिकेटेड LED लाइट है, यहाँ पर लाइट है, इधर भी लाइट है, इधर हैंडल बार भी है, क्योंकि पता है कि यार ये पर्टिकुलर गाड़ी जितनी पावरफुल है उसको कोई बंदा कैसे भी चला सकता है, तो पीछे वाले पैसेंजर जो है वो भी यहाँ पर ऐसे पकड़ के बैठ सकते हैं। और कर्टन्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, कर्टन एयरबैग, यहाँ पर जो है SRS के एयरबैग की प्लेसमेंट किया हुआ है। फ़ोन रखने के लिए स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पर भी फ़ोन रखने के लिए स्पेस है। पीछे 12 वॉट का पावर सॉकेट है, बट कोई भी चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। AC वेंट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलते हैं, सिर्फ वो है सेंटर में ही जो है वो मिलते हैं। क्वार्टर पैनल ग्लास जो है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर मिल जाता है। तो एमिनिटीज़ में जो है यहाँ पर पावर सप्लाई जो है वो नहीं है और AC नहीं है, तो इन दो चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और यहाँ पर जो है वो मैक्स टू मैक्स 14-15 साल के बच्चे जो है वो यहाँ पर बैठना पसंद करेंगे, मैं यहाँ पर बैठ के जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि पीछे रिक्लिनेशन जो है वो भी उतना अच्छा नहीं, और मेरे पैर एक्चुअल में यहाँ पर फंस रहा है, ये पैर तो खैर बाहर है ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट बेंच सीट होगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर तो मैं फिर भी एटलीस्ट यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ, ये वाला पैर फ्री है, स्पेस तो काफ़ी अच्छी जो है वहाँ पे मिल जाएगी दो बंदों को बैठने के लिए, ये वाला बंदा मुझसे दूर ही बैठेगा मोस्टली, तो वो एक चीज़ है। अब आ जाता हूँ इस रो पे के सेकेंड वाली रो में जो है वहाँ पे क्या सीन है। तो अगेन यहाँ पर तो स्पेस ही स्पेस है, ओके, सीट्स को भी आगे पीछे ऊपर नीचे करना अच्छा खासा मतलब वजन चाहिए सही साइड वाला, ओके, तो इस बैग को जो आप पीछे रख देते हैं, यहाँ पर मैं काफ़ी आराम से बैठूँगा, काफ़ी रिलैक्स पोजीशन पे, और अगर पीछे कोई नहीं बैठा है फिर तो बस ऐसे मस्ती से सो के आराम से सोते सोते भी जो है मैं जा सकता हूँ। अलग लिटरली काफ़ी कंफर्टेबल है सीट्स, काफ़ी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, और अगर आप ऐसे सीधे भी बैठते हो, और यार एक तो मार रही है मेरे को, तब भी बढ़िया है, मतलब हैंडरेस्ट पे से सपोर्ट है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं है, और यहाँ पर आप ब्लोअर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। एक ही टाइप सी पोर्ट जो है वो आप लोगों को मिलती है चार्ज करने के लिए, अगेन चार्जिंग पोर्ट्स पता नहीं क्यों महिंद्रा ने कम रखी है। अब अगर यहाँ बंदा बैठा है इसने पहले लगा लिया तो फिर मैं इससे लड़ूंगा, यार भाई मेरे को मोबाइल चार्ज करना है, तो चार्जिंग पोर्ट्स जो है वो कंपनी को देनी चाहिए थी, वो उन्होंने कमी रखी है। ब्लोअर की स्पीड बहुत ही कमाल की है, तो अगेन ये दोनों बंदे तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेंगे, स्टिल पीछे वाले लोग भी इतनी कंप्लेन नहीं करेंगे, बट एक्सट्रीम अगर जब गर्मी में आप जाओगे वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मैगजीन वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं, बोतल रखने के लिए डिसेंट स्पेस है, बट जो बोतल आप रख दोगे तो उसको निकालना और रखना वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली यहाँ पर जो है वो मुश्किल है, बिकॉज सीट के हाथ जो है वो काफ़ी पास में अंदर की तरफ जाता है, तो वो इशू जो है वो आपको आएगा। बाकी ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, सनशेड यहाँ पर मिल जाता तो अगेन मज़ा आ जाता, बट खैर महिंद्रा की किसी भी गाड़ी में यहाँ पर ऐसे सनशेड जो है वो नहीं मिलता है, तो उसकी डिमांड इसमें तो क्या ही करें। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें मेरे को पसंद आई है। फ्रंट सीट पे आ गया हूँ मैं,
यानी कि ड्राइवर सीट, और यहाँ पर जो ड्राइवर सीट है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है। आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, अपना जो रिक्लिनेशन है उसको आप मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, और साथ ही मैनुअली लंबर सपोर्ट जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रही थी ये गाड़ी, बट मेरे को ऑटोमेटिकली जब इसको चलाने लगा, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करे उसके हिसाब से, फिर मैं मतलब एक खुद से कंफर्टेबल यहाँ पर फील करने लग गया। मेरे को ऐसे अटपटा सा नहीं लगता, ओवरऑल जो सारी सीट है वो अब मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। 700 में आपको मेमोरी सीट मिल जाती है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलती है। प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यार वो चीज़ यहाँ पर अगर मिलती तो अच्छा लगता। अब अगेन जो स्क्रीन है ये थोड़ी सी मेरे को छोटी लगी, ठीक है। मैं आपको सारे फीचर्स नहीं गिनाने वाला क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। ये जो गाड़ी है यार, आप 28 लाख रुपये 29 लाख रुपये पे कर रहे हो, उसके हिसाब से काफ़ी छोटी स्क्रीन मिलती है, काफ़ी मोटी मोटी बेजल्स मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो तो चल रहा है, एप्पल कारप्ले का अपडेट आपको करना पड़ेगा उसके बाद में, वो भी चल जाएगा, बट अभी तो नहीं चल रहा। मैं यहाँ से फ़ोन चार्ज करता हूँ या ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपने गाने सुन रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार होना चाहिए, इस मामले में थोड़ी सी गाड़ी को एडवांस रखना चाहिए था, बट वो यहाँ पर नहीं है। खैर, कार जो है वो ऑफ रोडिंग कैपेबल व्हीकल है, तो यहाँ पर उसके लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी गई है कि मतलब जो ऑफ रोडिंग में आपके जो यूनिट्स वगैरह हैं वो दे दिए जाए, कितने एंगल पे व्हीकल जो है वो इधर या उधर हो रहा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं है। खैर, वो होनी चाहिए थी। जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो लगी ड्यूल जोन कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, मेरे को वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ओवरऑल एसी गाड़ी का काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है तो आप अपने लेफ्ट साइड का अलग से सेट कर सकते हो, राइट साइड का अलग से सेट कर सकते हो। व्यूइंग एंगल वगैरह के बारे में अपन बाहर चल के बात करेंगे। बड़ी सी गाड़ी के अंदर छोटा सा सनरूफ यहाँ पर मिलता है आपको, अगेन पैनोरामिक सनरूफ की कमी महसूस होती है, बट अगेन ठीक है, इट्स ओके, अच्छा है, गाड़ी कम गर्म होगी, पैनोरामिक सनरूफ होता तो ज़्यादा गर्म होती, तो ये डिसएडवांटेज भी नहीं है और एडवांटेज भी नहीं है, बट है तो ठीक है, इट्स ओके, तो इससे मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है यहाँ पर, इस चीज़ की कंप्लेन है, और सनग्लास होल्डर है, इस चीज़ का मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। मैं मेरा सनग्लास हमेशा कैरी करता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी वाली चीज़ है और ये होनी चाहिए। मैंने मोस्टली कार को रात में चलाया, बट दिन में भी चलाने में हजन से ज़्यादा परेशानी आएगी, जो ब्लाइंड्स हैं सन ब्लाइंड्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। खैर, ये वाला व्यू जो है वो आपका एक्सटेंडर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल फिर भी ये साइज़ के हिसाब से काफ़ी बड़े जो हैं वो रखे गए हैं। यहाँ पर कार्ड होल्डर मिलता है, इधर आपके पास में वैनिटी मिरर विथ लाइट मिलती है, और यहाँ पर भी वाइट कलर की लाइट जो है वो दी गई है आपको। तो ये सभी चीज़ें हैं मेरे को अच्छी लगी। ओवरऑल जो प्लास्टिक क्वालिटी है थोड़ी सी रफ है, स्क्रीच करती है, ये अच्छा है सॉफ्ट टच मटेरियल, ये प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो हार्ड ही सभी जगह रखी गई है। बाकी जो डैशबोर्ड का लेआउट है ब्राउन कलर और ब्लैक कलर के अंदर, वो डिसेंट रखा है। ओवरऑल जो एम्बियंस है कार का काफ़ी अच्छा है, बट एम्बियंट लाइट जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं, अब चलते हैं चलाने और चला के देखते हैं कि चलाने में कार कैसी फील होती है। एक जो लाइन मेरे को याद आती है कि फीचर देख के कार नहीं लेते, इंजन तगड़े चक्की दे, तो लिटरली इंजन जो है इसका वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही पावरफुल है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो कैसा वो फील होता है चलो टेस्ट करके देखते हैं। तो चलते हैं और चला के देखते हैं स्कॉर्पियो एंड डीजल 4x2 ऑटोमेटिक को कि चलाने में कैसी फील होती है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस पर्टिकुलर कार को लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ, 1963.6 ये मेरी ट्रिप ए है, और मतलब लाइक अभी ये हो ही जाएगी, 2000 से ऊपर हो जाएगी। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले मैं कार को अभी जिप मोड में डाल देता हूँ, जिप की बात करेंगे मोस्टली पहले सिटी की, अभी चलेंगे अपन हाईवे पे बात करते हुए जाएंगे, एंड देन उसके बाद मैं जिप जैप जूम तीनों मोड्स भी अलग अलग चेंज हो गए, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैसा कि रिव्यू में, तो अगेन जो व्यूइंग एंगल है कार का काफ़ी बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। ऑल दो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही फॉर्चुनर चलाई थी, और ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट पे ही आप बैठते हो, तो जो बिग डैडी ऑफ एसयूवी का जो टैग दिया गया है वो इसलिए कि इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है, मतलब सेगमेंट में आप बोल सकते हो कि 30 लाख रुपए के अंदर जो भी गाड़ियाँ आती हैं उन सभी में आप सबसे ऊंचा बैठते हो। बोनेट आपको क्लियरली विजिबल होता है, ORVM काफ़ी बड़े हैं, IRVM से भी डिसेंट व्यू जो है वो आपको मिल जाता है। अगर पीछे 7 लोग बैठे हैं, मतलब एक पीछे थर्ड रो में भी लोग बैठे हुए हैं, तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा, बाकी अदरवाइज आपको व्यूइंग एंगल से रिलेटेड कहीं कोई परेशानी गाड़ी में नहीं आती है। व्यूइंग एंगल में एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी वो मैनुअली नहीं इलेक्ट्रॉनिकली जो 360 कैमरा अपन गाड़ियों में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया है, उसके लिए एक डेडिकेटेड स्विच है, आप चलाते चलाते उसको ऑन कर सकते हो, चाहे आप कितनी भी स्पीड पे चलो वो कैमरा ऑन रहता है। तो अगर आपको कहीं पार्किंग में इशू आ रहा है तो आप उसको मैनुअली ऑन कर सकते हो। फ्रंट में पार्किंग सेंसर है, रियर में कैमरा और पार्किंग सेंसर है, और दोनों में हल्का सा लैग मेरे को फील होता है, मतलब वो मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट उसको नहीं मानता हूँ, बट मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने जो स्कॉर्पियो एंड लाइक ऑप्ट करते हैं, उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में उस लैग को कम फील करा है, बहुत ज़्यादा लैग मतलब जो पहले था उससे बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बट वो पूरा लैग खत्म नहीं हुआ है, तो ये एक सीन है। और अगर 360 कैमरा होता तो डेफिनेटली अच्छी बात होती है यार, आप 28-28.5 लाख रुपये गाड़ी के ऊपर खर्च कर रहे हो, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, ये एक बात है। अब उसके बाद में अगर
अगर अर्गोनॉमिकली बात करें तो अगेन कार की सभी चीज़ें रीच में होती, कहीं कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो वॉल्यूम रॉकर्स का स्विच हो, और वो भी लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया है, तो वो अर्गोनॉमिकली काफ़ी सही जगह प्लेस किया है, बिकॉज ड्राइवर के पास में तो यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए स्टेयरिंग पे कंट्रोल है। लेफ्ट साइड में जो को पैसेंजर है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर सकता है, उसको आवाज़ कम ज़्यादा करनी है तो। बाकी डेडिकेटेड कई सारे स्विचेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन नीचे भी जो सारे स्विचेज हैं वो भी काफ़ी हैंडी है, कोई परेशानी आपको उनसे रिलेटेड नहीं आती है। फोन रखने के लिए भी स्पेस है, बट वायरलेस चार्जिंग जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। बाकी दो कप होल्डर है, जो पीछे वाला कप होल्डर है ये थोड़ा सा मतलब गलत प्लेस किया गया है। यहाँ पर अगर मैंने एक बार कप रख दिया और आगे वाला लाइक ये कप होल्डर मेरा लाइक ऑक्यूपाइड था, तो यहाँ से लेने में दिक्कत आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्म रेस्ट जो यहाँ पर प्लेस किया गया है। ऑल्दो इसमें थोड़ा सा कट है, बट स्टिल ये इतना ज़्यादा मतलब ईजी फील नहीं करवाता। खैर ये इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल जो है वो मेरे को फील हुआ तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा भी इसके अंदर ये हैंडल वगैरह जो प्लेस करें ये भी काफ़ी अच्छी जगह प्लेस किए गए हैं। इनको आपको पकड़ के चढ़ने में गाड़ी को ऊपर जो है वो बहुत आसानी रहती है, बिकॉज गाड़ी काफ़ी हाइट पे है, तो आप इसको पकड़ के अंदर चढ़ सकते हो। और एक अच्छी फील भी देता है, एसयूवी वाइब देता है कि आप किसी चीज़ को पकड़ के गाड़ी के अंदर चढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या 28 लाख रुपए का जो प्राइस टैग है गाड़ी का, 28.5 लाख रुपए आपको ऑनरोड जो पे करने पड़ते हैं, वो ये कार कैसे जस्टिफाई करती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंजन से। तो अगेन सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन है 2.2 लीटर का एमहॉक ये इंजन है, 172 bhp के आसपास की पावर और ऑलमोस्ट 400 nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि वन ऑफ द पावरफुल कार भी आप इसको बोल सकते हो। हाँ, इसी की ही प्राइस पॉइंट में थोड़ी सी और आगे अगर आप 30 लाख रुपए के आसपास खर्च करते हो तो महिंद्रा से ही XUV700 आ जाती है, जो कि अगेन ज़्यादा पावरफुल है इस पर्टिकुलर कार से। बट स्टिल अगर बात करें रियर व्हील ड्राइव गाड़ी की, लेडर फ्रेम एसयूवी की, तो यही एक इकलौती गाड़ी है जो काफ़ी पावरफुल है। और इसका पेट्रोल वर्जन तो लिटरली नो डाउट सेगमेंट में मतलब बोल सकते हैं कि जो अपर सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनको मतलब बोल सकते हैं कि कंपटीशन दे रहा है, बिकॉज 200 bhp की पावर जनरेट करता है वो पेट्रोल इंजन। उसके बारे में अपन कभी बाद में बात करेंगे जब उसको चलाएंगे, फिलहाल पर्टिकुलर में इस डीजल इंजन की बात कर लेता हूं। तो ये जो 2.2 लीटर का इंजन है काफ़ी काम है, साइलेंट है, रिफाइन है, वाइब्रेशंस हल्की फुल्की इसके अंदर है, हार्शनेस बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नॉइजी भी नहीं है ये इंजन। फिर उसके बाद में अगर इसकी पावर डिलीवरी की बात करें तो अभी मैं नॉर्मल जिप मोड पे चल रहा हूँ जैसे, तो एक लीनियर पावर डिलीवरी आपको मिलती है। मैं 100 की स्पीड पे हूँ, थ्रॉटल प्रेस करता हूँ 1, 2, 3, तो ये साउंड करेगा और फिर कार को पुश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और 3,500 rpm या जितना आप अपलिफ्ट कर रहे हो, जितना आप अकॉर्डिंगली रेस दे रहे हो, उसके हिसाब से गियर जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब मैं 120 पे क्रूज करने लग गया हूँ और rpm जो है अराउंड 2000 के आसपास चल रहे हैं, मतलब 2000 rpm पे रहती है 115 से 120 की स्पीड पे जब आप चलते हो तो rpm बहुत ही सही है इसके, एकदम सेटल रहते हैं। और जब भी मूवमेंट पे है गाड़ी, जहाँ पे मैं 105 की स्पीड, 110 की स्पीड अभी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको बाहर में जो नॉइज़ आती है अंदर केबिन में बाहर से, वो सिर्फ टायर नॉइज़ होती है, इंजन की नॉइज़ नहीं होती है। दैट्स वाई जो इंजन है वो काफ़ी काम कंपोज है एकदम। और अगर बात करें NVH की भी यहाँ पर, तो नॉइज़ वही मैंने आपको बताया जैसे ये टायर की है। अगर ये जैसे सस्पेंशन जॉइंट से अपन निकलते हैं ये, तो हल्का सा टायर का नॉइज़ आता है और हल्का सा सस्पेंशन, गाड़ी के सस्पेंशन का जो नॉइज़ है वो अंदर केबिन में आता है, बट वो इस तरीके से आता है कि आपको फील होता है कि आपके पास में एक रोबस्ट हार्डकोर कार है, कोई परेशानी नहीं है एज एन सच उस गाड़ी के अंदर आपको, कि अगर आपने फास्ट निकाली आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। ये 700, अभी 700 से भी काफ़ी हाइटेड है, 700 की सस्पेंशन सॉफ्ट है, वो एकदम नीचे फील होती है अगर 5-6 लोग बैठ जाते हैं तो। ये पर्टिकुलर गाड़ी के सस्पेंशन उस हिसाब से नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे दब जाए गाड़ी, गाड़ी की हाइट काफ़ी अच्छी रहती है अगर आप 5-6 लोग ऑन बोर्ड हैं तब भी, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इंजन की पावर अगर अपन दूसरे मोड में बात करें तो यहाँ पर मैं जैप मोड डालता हूँ, जहाँ पर मैंने मोस्टली अपनी जो रनिंग है वो 1700-1800 किलोमीटर जैप मोड में ही करी है। मैंने कुछ टाइम के लिए जिप मोड में डाला है जहाँ पर मैं मोस्टली सिटी में चला रहा था, तो या तो फिर मैं चला रहा हूँ कि मेरे को उस मोड को चेक करना है कैसा है वो। और जैप के बाद में जो जूम मोड है उसकी ज़रूरत आपको बहुत ही कम पड़ेगी, आपको मतलब ड्रैग करनी है, आप फास्ट भगानी है आपको बहुत ही ज़्यादा, तो आप भगाओ, अदरवाइज तो जैप मोड गाड़ी का बैलेंस्ड है, जहाँ पे आप उसको सिटी में आराम से यूज़ कर सकते हो। आपके पास में बहुत ही बढ़िया पावर होती है, माइलेज भी डिसेंट ही आपको मिल जाता है, और अगर आप मतलब एक हाईवे पे चल रहे हो तब भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी मैं 120 पे हूँ, स्टिल अगर मैं प्रेस करूँगा थ्रोटल को, कार 140-160 करते हुए मतलब स्पीड उसकी बढ़ती ही चले जाएगी, तो ये एक बात है। और पावर की कहीं पर भी आपको कमी महसूस जो है वो होती नहीं है, गाड़ी का लो एंड एंड मिड रेंज काफ़ी अच्छा पुल जो है वो आपको देता है। हाँ, अगर जिप मोड में आप होते हो तो फिर लो एंड में परफॉर्मेंस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है पावर नहीं आ रही है, थोड़ा सा लैग सा हो रहा है, तो वो पावर कट करता है माइलेज के लिए, तो बेटर आप इसको जो है जैप मोड में ही चलाओ, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पावर डिलीवरी वगैरह करेगी। अब माइलेज की बात करते हुए चलते हैं, तो मेरे को एक बार माइलेज टेस्ट में इसके अंदर 13.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला था, जहाँ पर मैं अकेला बंदा था गाड़ी में और थोड़ा बहुत सामान था और मैं हाईवे पे चल रहा था।
और हाईवे पे उतनी माइलेज मुझे मिली जो कि अच्छी माइलेज है, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप 4-5 लोग गाड़ी के अंदर हो, थोड़ा बहुत सामान भी अगर आप रख लेते हो, मैनेज कर लेते हो, और आप हाईवे पे ट्रिपल डिजिट कर रहे हो, तो आप 12 के आसपास की माइलेज जो है वो इसकी मान के चलो। और अगर आप ज़्यादा इसको लिमिट पे पुश करोगे, रेड लाइन करते जाओगे बार बार, तो फिर अगेन माइलेज जो है वो 10 के आसपास जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मोटा मोटा आप गाड़ी को अगर आप सिटी में हाईवे पे कॉम्बिनेशन के साथ में चलाते हैं तो 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर की ऑन एन एवरेज माइलेज जो है वो ही आप पकड़ के चलें। मतलब उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करें, मिल जाए तो एक अच्छी बात है, नीचे भी नहीं आएगी, मतलब डबल डिजिट में तो गाड़ी दे ही देगी। बहुत खराब चलाओगे तो फिर डेफिनेटली किसी भी गाड़ी से आप सिंगल डिजिट में माइलेज निकाल सकते हो। अब बात करते हैं गियरबॉक्स की। अगेन 6 स्पीड का गियरबॉक्स, इसमें आपके पास में कोई स्पोर्ट्स मोड वाला ये डायरेक्ट शिफ्टिंग वाला ऑप्शन नहीं रहता है, मैनुअली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिर्फ डाउन शिफ्ट करना है तो पैडल शिफ्टर का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, और जैसे मोड है तो वही जिप जैप जूम जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं वो उस टाइप से मोड यहाँ पर मिलते हैं आपको। बाकी इस गियरबॉक्स के साथ में कभी भी मेरे को मैनुअली चलाने की इच्छा हुई नहीं, मैंने लगा के कोशिश भी करी कि चलाऊं, बट उसमें उतनी फील नहीं आती जितना ऑटोमेटिकली सही तरीके से शिफ्ट कर लेता है। और ना ही आपको अभी जैसे ऑन गो ट्रैफिक में कभी फील करवाएगा कि गियर चेंज हो रहे हैं, गियर बहुत ज़्यादा अपसाइज या डाउनसाइज नीचे मतलब टाइम से नहीं हो रहे हैं। और अगर आप सिटी में चल रहे हो और अगर आपका अगेन मोड वाला खेल है, अगर आप जैप में हो तो कोई इशू नहीं है, थोड़े से आपको आरपीएम ऊपर जाते हुए दिखेंगे कि हाँ ये चेंज क्यों नहीं हुआ, और वो चेंज कर लेगा फिर एक सर्टन स्पीड पे जाने के बाद में। जिप में जो है वो बिल्कुल काम रखने की कोशिश करता है बट वहाँ पर फिर पावर की कमी महसूस होगी। तो अगेन मोड का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल इस गाड़ी के अंदर है। जैप मोड में ही बेस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन निकल के आता है, चाहे वो गेयरबॉक्स पावर आउटपुट या सिटी या हाईवे ड्राइव से चीज़ें होती है। सस्पेंशन की बात करते हैं, अगेन इतनी बड़ी कार है, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल होगा, बम्स वगैरह पे से निकलेगी तो गाड़ी हिलेगी, आपको वो जो झूला वाला इफेक्ट जो अपन बोलते हैं वो वाला देगी, बट इतना ज़्यादा नहीं है लिटरली। मतलब इतनी हाइटेड ये कार है उसके बावजूद काफ़ी स्टेबल है उस कंडीशन में। मैं इसके दूसरे जो राइवल्स हैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, पर्टिकुलर सिर्फ इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। स्टेयरिंग पर इतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली इफेक्ट आपको आता रहेगा, आपके हाथ दुखेंगे या जैसे जहाँ से भी अगर बम्प वम्प से निकल रही है तो वो इफेक्ट स्टेयरिंग पर आपके हाथ में आए वैसा आपको फील नहीं होता इतना ज़्यादा। तो ये जो सारी चीज़ें मैनेजमेंट है महिंद्रा का वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, परेशानी नहीं आई कोई सस्पेंशन से रिलेटेड। हाँ, अगर आप जिन लोगों को मोस्टली आदत है क्रेटा सेल्टोस ऐसी मोनोकॉक चेसी के साथ में गाड़ी में चलने की, वहां पर वो बहुत ज्यादा कंफर्ट आपको ऑफर कर देती है। ये है लेडर फ्रेम एसयूवी, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा आपको कंफर्ट या उसके मतलब कंपैरेटिवली कंफर्ट आपको कम मिलता है, बट स्टिल जो कार आप ऑप्ट कर रहे हो जिस प्राइस पॉइंट पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली कोई शिकायत मुझे सस्पेंशन से रिलेटेड नहीं लगी इस गाड़ी के अंदर। और ना ही कोई ऐसी आवाज़ वगैरह करते हैं ये गड्ढे वड्ढे में से आप निकालते हो तो। हाँ, एक चीज़ है, अगर रंबल स्ट्रिप पे से आप कंटिन्यूसली आप स्पीड में चले जाओगे तो आपकी गाड़ी फिर पीछे से डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है, और वो आपको इफेक्ट किसी भी लेडर फ्रेम गाड़ी में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप 1 करोड़ की गाड़ी ले लो, वो थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है। वो जितनी ज़्यादा महंगी गाड़ी लोगे उतना कम इफेक्ट रहेगा, बट वो इफेक्ट तो आपको फील होगा ही होगा, तो वो चीज़ इसके अंदर है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब आप बड़े स्पीड बम्प से निकल रहे हो वहाँ पर आपको स्पीड स्लो करनी ज़रूरी है, अदरवाइज फिर पीछे अगर कोई बैठा है तो वो शिकायत करेगा या आपकी खुद ही गाड़ी जो है वो इधर या उधर होगी, तो वो एक इश्यू इस गाड़ी के अंदर है, उसको थोड़ा सा और कंपनी बेटर बना सकती थी ऐसा मेरे को लगता है। और नेक्स्ट अगर बात करें इस कार की म्यूज़िक सिस्टम की, तो वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक सिस्टम जो 30 लाख रुपये में आपको किसी एसयूवी में मिल रहा है, मेरे को हैरियर से हेक्टर से जितनी भी ये गाड़ियाँ अभी जो सेल्टोस का नया म्यूज़िक सिस्टम है उन सभी से इसका म्यूज़िक सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, बहुत ही कमाल का म्यूज़िक सिस्टम है। बस इस म्यूज़िक सिस्टम में एक ही फ्लो है, वो फ्लो ये है कि जब आप नीचे कम वॉल्यूम में गाना चलाते हो तो वहाँ पर जो है वो उतना ज़्यादा बेसी फील आपको नहीं करवा पाता है, बस जैसे ही आप 7-8-9 पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम लेके जाते हो वहाँ पर फिर बेस जो है वो आपको फील होने लग जाता है। और दूसरा, सब वूफर की जो सेटिंग है वहाँ पर कम या ज़्यादा अगर आप कर लेते हो कि मतलब लाइक आपने सब वूफर को कम या ज़्यादा कर लिया, तब भी मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब लाइक उसके अंदर इफेक्ट कुछ कम या ज़्यादा चेंज हुआ, तो वो सेटिंग जो है वो ज़्यादा आपका काम करती नहीं है। बाकी बेस वगैरह की जो सेटिंग है वो इजीली आप जो है उससे प्ले कर सकते हो। दैट्स ऑल, यही सारी चीज़ें थी। अब क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी मेरे को स्कॉर्पियो एन के बारे में, अच्छा ये नहीं लगा कि जो उसकी प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा चीप यहाँ पर कंपनी ने यूज़ करी है। चाहे अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्लास की बात करूँ, ये इतना ज़्यादा इफेक्ट है इसके अंदर, ये म्यूज़िक से भी हिलता है, गड्ढे अगर कहीं आएंगे तो हिलता रहेगा, मतलब इसमें आपका मूवमेंट होगा। फिर ये जो प्लास्टिक क्वालिटी ही इतनी अच्छी नहीं है, जो डोर्स की प्लास्टिक क्वालिटी है वो और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकती थी, ऊपर वाली ठीक है बट जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो बहुत ही बुरी पैथेटिक क्वालिटी जो है वो यहाँ पर है। और एक दो जगह से रैटलिंग नॉइज़ आ रही है। कार मेरे पास जब आई थी 16,000 के आसपास थी, अभी 18,800 ऊपर कुछ चल चुकी है, तो
इतनी मतलब एक नई गाड़ी है, एक तरह से 15-16 हज़ार में गाड़ी पुरानी नहीं होती है, बट एक दो जगह से रैटलिंग नॉइज जो है वो गाड़ी के अंदर आ रही है। तो ये चीज़ें हैं और वो हमेशा महिंद्रा में रही है, ये भी बिकॉज वी आर आई एम ऑल्सो महिंद्रा कार ओनर, तो पुरानी गाड़ियों में भी एक इशू था और अभी तक ये इशू है, तो महिंद्रा को वो चीज़ सुधारनी चाहिए। दूसरा फिर सर्विस पे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी तो हैजन सर जो चीज़ें दी गई है वो डिसेंट है, 360 कैमरा नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, स्क्रीन काफ़ी छोटी है, एप्पल कार प्ले अपडेट के बाद में चलेगा, ये पर्टिकुलरली मीडिया व्हीकल है, इसमें अभी तक अपडेट मिला नहीं मेरे को और करवाना पड़ेगा वहाँ पर जाके, लाइक आप खुद भी वो अपडेट नहीं कर सकते आई गैस, मेरे को अभी तक यही पता, बिकॉज इसमें मैंने सेटिंग में जाके देखा तो वो अप टू डेट बता रहा है, तो ये एक चीज़ है कि आपको जाके करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा महिंद्रा को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो पैसा ले रहे हो उसमें सारी चीज़ें आप दे दो, बट स्टिल अगर आपको चाहिए कि एक बढ़िया इंजन हो, आपकी गाड़ी रोबस्ट हो, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी हो, मतलब लाइक चलाने में बहुत अच्छी हो, तो फिर आप इस कार को ऑप्ट कर सकते हो, कोई परेशानी आपको हैसन सच नहीं आएगी। 6 और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में गाड़ी मिल जाती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अगर आप लोगों को ये मेरा समराइज रिव्यू अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गाइज बाय बाय, ड्राइव सेफ राइड सेफ़।